हाँ तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका धूम अगेन पार्ट टू में। चलो भोसले के सामने सेट। हाँ तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका धूम अगेन पार्ट टू में। तो वो आखिर चोर है कौन जिसने पूरी यूपी और दिल्ली का दिल दहला रखा है? आखिर क्यों पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है? तो बने रहिए हमारे एनआरटी शल के साथ, आइए देखते हैं। तो भोसले क्या पता क्या कर रहा था तू? अब क्या करेंगे सर, अब क्या सोचा आपने? एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे उस चोर को कहीं देखा है मैंने। लेकिन सर गड़बड़ हो गई, मेरी घरवाली का लहंगा चला गया उस बैग में। ढक्कन चंद उस बैग में रखा क्यों था लहंगा साले? नहीं सर आपने तो कहा था बैग में कोई खतरनाक सा आइटम रख दिया, अब घरवाली तो बैग में आई नहीं, मैंने साले का लहंगा रख दिया बैग में। अरे छोड़िए सर, फटा हुआ था, फटा हुआ भट तक के खुले हुए हैं उसमें। अरे नहीं सर, 1977 में मेरी सास ने गिफ्ट किया था मुझे। पर तुम्हारी सास तो पहली मर गई थी। तुझे पता तू खा का दिखाई बिरयानी भोफड़े को बै लंबे सामान वाले। अरे भोसले वालों ने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। बै लंबे सामान वाले, अरे तेरी बहन का सुअर काटू। बै लंबे बाल वाले, सुन ले कान खोल कर ताले, उस चोर को तेरी घरवाली का लहंगा पड़ेगा महंगा। चलो आज तक हमसे कोई चोर नहीं पकड़ा गया, लानत है हम जैसे पुलिस वालों पर। अब एक बार मैंने पकड़ने की कोशिश करी भी थी लेकिन सलाख ही फोड़ के भाग गया। बे वाले हाँ बे, ये तो बीकेसा लग रही है ये। हाँ यार सही कह रही है, अचल देखते हैं। सारे के सारे पुलिस वालों को फंसवा दूंगा। एनआर वे वाले, लगता है एनआर और बीकेएस दोनों के दोनों ही चोर हैं। ने पूरे डिपार्टमेंट में गंदगी फैला रखी है। सही कह रही, चल तू गाड़ी निकाल। ए, कौन है तू? हाथ छोड़ मेरा। टेंशन मत लो, तुम्हें राखी नहीं बांधूंगी। बस इतने बताओ, इतने दिन से थे कहाँ? छोड़ो मुझे। ताकि फिर से छोड़ के चले जाओ। देखो दिखाओ। ना तुझे कभी देखा ना कभी जाना, मैं वो लड़का नहीं हूँ। कहा ना ये थप्पड़ मार के पड़ेगा समझाना, मेरी बहना। बहना? कल तक तो जान बोलते थे, आज नया बहाना। ओके ठीक है, पता लगा है कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है। अगर कोई पुलिस वाला हमारा पीछा करे तो उसको गोली से उड़ा देना। ऑफिसर की लड़की हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। ठीक है चलो। What?
शिट। एनआर, आखिर तुम्हारा प्लान कैसे फेल हो सकता है? कैसे? सॉरी सर, दिस इज आई क्लोडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। ओए, हिंदी में बात कर, हिंदी में। ओके सर, आई नॉट अंडरस्टैंड कि वो चोर कहाँ से आता है और कहाँ से निकल जाता है, बट अब उस चोर को पकड़ने के लिए उस चोर के ही दिमाग से सोचना पड़ेगा। कुछ भी करो लेकिन उस चोर को जल्द से जल्द पकड़ो। अरे चोर पकड़ा कहे जाएगा, चोरों को बाइक पर खड़ा करके दिखा रहा है। मैं मेरा मतलब चोरों को बाइक पर खड़ा होकर दिखा रहा है। ए, खतरों से खेलना मेरा शौक। पर तुम्हारे शौक के चक्कर में तो हमारी घरवाली का लहंगा फट गया। मेरा मतलब लहंगा चोरी हो गया। शट अप इडियट, यह डिपार्टमेंट की नाक कटी पड़ी है और तुम्हें अपने लहंगे की पड़ी है। अरे सर, लहंगा तो लहंगा है, 250 रुपए का बैग भी चला गया। चुप जा, खाने खराब। लेकिन सर मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है। मेरा मतलब मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है। शट अप। जब प्लान ना सुनने तो एक्सक्यूज मी सर। सर आपके लिए गुड न्यूज है सर। टेल मी फास्ट। उन चोरों का पता लग चुका है सर। तो जल्दी बताओ, सोच क्या रहे हो? सर वो चोर और कोई नहीं, एनआरबी केस, और उसमें आपकी बेटी भी शामिल है सर। शाबाश मेरे होनार ऑफिसर, जरा इधर तो आओ। जी सर। साले पिछले 2 घंटे से मेरे साथ हैं ये दोनों अकल के दुश्मन। ये कैसे हो सकता है सर? पूरा डिपार्टमेंट ही खराब है। एनआर, दिस इज द लास्ट चांस। ओके ओके सर। कान खोल कर सुनना, मैं सिर्फ एक ही बार समझाता हूँ। क्यों सर, दोबारा नहीं समझाते क्या? अरे तेरी बहन का सुअर काटू, तेरे बाप का नौकर लग रही हूँ, तो दोबारा समझाऊंगा। और हाँ, क्या हुआ एनआर, कोई कंफ्यूजन है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, कहाँ को निकल जाता हूँ? शायद तू मेरे को जानता नहीं है, सिर्फ पहचानता है। वसीम जल्दी से गाड़ी निकाल, और जिस दिन जान गया ना, तेरा सुकून बर्बाद हो जाएगा। डायलॉग अच्छे बोल लेता है, तुझे तो बॉलीवुड में होना चाहिए। ये पुलिस की नौकरी के चक्कर में कहाँ से पड़ गया? तेरे जैसे गधों को इंसान बनाने के लिए, और तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अबे तू टाइम बर्बाद कर रहा है। टाइम? टाइम मैं नहीं, टाइम तो तू बर्बाद कर रहा है। और बेटा तेरा टाइम खत्म, पलट। और मैंने भी कहा था कि तेरा सुअर तो ये यूपी का पुलिस वाला ही बनाएगा। एक्चुअली मैं क्या बोल रहा था, आज तुम्हें जंगल की सैर कराता हूँ, चलो। ओके चलो। हाँ ओके ओके। वसीम, मुझे ऐसा लग रहा है सर जंगल में मंगल कर देंगे आज। चल। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारी लेता हूँ तो, हाँ तो जब भी मैं तुम्हारे किस लेता हूँ तो तुम आंखें बंद क्यों नहीं करती हो? एक्चुअली मैंने पिछली बार किस की थी ना, तो मेरे 500 रुपए चोरी हो गए थे। अरे वो सब पुरानी बातें छोड़ो, मैंने चुराए थे। हाँ तो बस सिकंदर, अबे ये यहाँ क्या कर रहा? अबे इसकी बहन का, इसका मतलब सानावाद चोर है। जब तुम मेरे लाइफ में आए थे ना, मेरा काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता था, सारा दिन तुम्हारे ख्यालों में लेटी रहती थी। तुम्हारा बीपी डाउन होगा। पूछे ओके चल दे साले, वरना साले के गोली मार दूंगा। लड़की अपनी फीलिंग बता। अबे ऐसे दिल की फीलिंग तो हम भी बता देंगे। लो सुन लो, जब भी मैं किसी लोंडे को देखता हूँ ना, तो मेरे पिछवाड़े में खुजली होने लगती है। क्या यही प्यार है? अबे ये प्यार ना, ये बवासीर है। अबे हेलो अनार, पता लग चुका है सानावाजी चोर है, और मैंने उसे भी धामपुर रोड पर जाते हुए देखा है। अरे क्या हुआ सर? What's again?
साले आस्तीन के साथ आज तक तूने पता नहीं कितनों को बर्बाद किया होगा। पूरे डिपार्टमेंट की शान, एक हुनहार कांस्टेबल आज इस हालत में है। तो तू कुछ नहीं बताएगा? लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। जानना चाहता है ये क्या है? कौन तू? कौन है और कहां से आया? मैं एक इच्छाधारी चोर हूं, जिसकी ना कोई हद ना कोई सीमा है। दुनिया में ऐसा कोई रूप नहीं जो मैं इख्तियार नहीं कर सकता। देखना चाहोगे अनार? और देखना चाहोगे? और कुछ देखना है? वाह, क्या कारीगरी है! किसने बनाया ये मुझे समा? मुझे बेवकूफ समझाया तूने? सच सच बताइए क्या है? बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। पहले 1 मिलियन व्यूज आने चाहिए वीडियो पर। सालो देख लूंगा। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then.